जी आपकी तरफ तो सर्दी गर्मी का क्या हाल है मौसम कैसा है इज़ इज़ इट गेटिंग हॉट क्या हो रहा है बरसात का मौसम है और बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं समोसों से और पकौड़ों से अपना दिमाग जो है वो शिफ्ट कर लूँ बिकॉज ये नहीं हो सकता जिससे अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं या किसी सिटी में जैसे कराची जिसमें कभी कभी बरसात होती है तो आप कहते हैं पकौड़ों का मूड हो रहा है अगर आपने यहाँ ये शुरू कर दिया ना तो आई थिंक एवरी डे विल एवरी अदर डे विल बी अ पकौड़ा डे सो आई बेटर

उठाया तो एक में दम वाले चावल थे मैंने कहा उसे कितने अच्छे लग रहे ना फिर में पानी आना शुरू हो गया और अभी ऑलरेडी आ रहा है फिर मैंने दूसरी वाली उठाया देची का ढक्कन तो उसमें कड़ी थी लाइक like, साइड में अभी मैं कुछ और बोलने वाली थी अपनी लैंग्वेज को सही किया मैंने कहा साइड में करो ग्रिल चिकन कड़ी और चावल खाओ और मैंने वो मैंने अच्छा पहले मैंने कहा आई ज छोटा सा खाऊंगी मैंने खाए और भू इतने मजे का तो एक तो मुझे भूख कितनी लगी थी मैंने कहा भाई कोई ग्रल चक्कर नहीं आज तो मैं कड़ी और वो खाऊंगी और मैंने कहा मैंने बहुत मेहनत की रहा आज तो यू डिजर्व इट यू कैन ईड इट आई हैड कड़ी चावल ओके सो इन दिस होल आई लिसन टू वॉज मैं किचन में गई और मैंने सोचा कि ये में क्या पक रहा है दिस इज फॉर किचन में जाऊं और मैं में रहा मुझे पता नहीं कि क्या पक रहा है जितने लोग नहीं रहते पाकिस्तान में अगर किचन में जाए उनको खुशबू आए उनको नहीं पता कि क्या पक रहा है इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू तो इन्जॉय कढ़ी चावल बिरयानी बनी हो उस दिन तो यार कैसे रजिस्ट करूँ बिरयानी नहीं रजिस्ट होती तो बस ये है यू आर राइट हमारे पास ये छोटी 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 ब्लेसिंग्स हैं जिसको हम नहीं रियलाइज़ करते हैं यू आर सो राइट शाजिया तो कड़ी चावल किस किस को पसंद है नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर देखिए बताइएगा एंड अच्छा एक और चीज़ आई कॉन्ट अब मुझे याद है में इम्तियाज गई एंड सो दो यू नो ड्राइड मिर्ची शाजिया जो उसका नाम था कुछ दही मिर्च या कुछ वो मैं लेकर भी आई हूँ मैंने अभी तक बनाई नहीं है मुझे बात करते हुए याद आया आई थिंक वो दही में आप सिर्फ मिक्स कर दें

Well, I've had it in some Memon household, so I want to know if that's the thing. It's good. Is it good? Did you like it? I I have been introduced to kali chane only after I got to know Memon's in my life. I didn't know about this before that, and I love them, and they're healthier, and I love the taste now. तो मैं तो kali chane ही कोशिश करती हूँ कि खाऊँ। अच्छा, I am a fan of kali chane. I love them, but अच्छे मज़े के बारे में। चलें जी, हमारी तो I think खाने की गुप्तगुप्त ख़तम ही नहीं होगी। Let's start a drama. गब, बहुत ऐसा ही drama है। वी आर स्ट्रगलिंग कि हम कौन से ड्रामों को रखें और कौन से ड्रामों को छोड़ें इफ़ यू गाइज एव एनी सजेशन प्लीज़ हेल्प अस डिसाइड बिकॉज वी पॉसिबली कैन नॉट रिव्यू टेन टू ट्वेल्व ड्रामाज एवरी वीक एंड नॉट वॉच दैम ऑल्सो सो वी विल टेक डिसीजन नेक्स्ट वीक इनशाला मंडे ऑनवर्ड्स हम हर ड्रामे को रिव्यू नहीं कर रहे होंगे कुछ ड्रामे करेंगे कुछ को छोड़ देंगे आप अपनी सजेशन जरूर कामेंट्स में बताएं शाहिया हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं आप नाम ले सकती हैं प्लीज़ खुशबू में बसे जान से प्यारा जूनी करें नया ड्रामा एंड देन देर इज एक चुभन सी नया ड्रामा इंस्पेक्टर सबीहा जो हमें पिछले हफ्ते करना था लेकिन अब हम आज कर रहे हैं विच इज अ फ्राइडे एंड दिल माने ना ओ माई गुडनेस रोईनेस ओके सो लेट स्टार्टोट के रोमियो जूलियट ओके okay, जी आ गई है रियलिटी स्ट्राइक्स एंड इट्स हिटिंग रियली हार्ड टू बोथ ऑफ देम भाई मुझे तो हमजा सोहेल का परफॉर्मेंस एंड बोथ इकरा एंड वाज सो फैबुलस आई आई लव बोथ स्पेशली द सेकंड वन थिंक व्हाट अबाउट यू तो बिल्कुल सही कह रही हूँ हमजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वो अलमारी वाला सीन है जब वो आते हैं और जब वो यू नो ही एंड ही इज़ लाइक यू नो वो पहले गुस्सा है फिर दुख है देन वो सरकेस्टिकली हंसना शुरू कर देते हैं तो फरहाद का कैरेक्टर जो है वो ही इज़ गोइंग थ्रू दिस इमोशनल टर्मोइल एंड यू नो उसकी जो अंदर की इनसिक्योरिटी थी शाजिया वो इतने अच्छे तरीके से आई लाइक ही सेस कि मेरा तो बाप ने मुझ पर यकीन नहीं किया और जो हम समझ रहे थे कि ही इज़ ओके विद किरण वो पता चला कि ही इज़ नॉट ओके एंड ही इज़ ही कि ये तो ही डन ट्रस्ट मी कि मैं ख्याल कर सकता हूँ मेरा बॉस मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकता यू नो एंड आई एन ऑन सम लेवल आई थॉट नॉट जस्ट दैट कि फरहाद की आपको इनसिक्योरिटीज़ और आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमोशंस नज़र आया इट ऑल्सो शोड कि हम मर्दों पे कितना प्रेशर डाला होता है लेकिन हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते बिकॉज फॉर मी ही वॉज़ रिप्रजेंटिंग ऑल द मैन दे आर हु माइट लूज अ जॉब हु माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फाइनेंशियली सो वेल टू देयर फैमिलीज एंड देन दे आर यू नो उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाता है उनका कामयाबी या नाकामयाबी जो है वो इस चीज़ पर डिटर्मिन की जाती है विच कैन उसने बाइक रोकी जो वो किसी को मारने वाला था जब वो अपनी अम्मी की दवाइयां ढूंढ रहा था जब वो घर आया उसने देखा की वो नहीं है घर पे फ्री आ जब वो घर पे थी एंड अलमारी सीन जो तुमने मैं और द ऑफिस सीन जो उसने अपने बॉस को लगाया है ना फिर आई वॉज लुकिंग एट हिम कि इसको देखता रहेगा नहीं मारेगा नहीं ये मारेगा इसको नो हिट हिम एंड बट देन इवन द वे दैट वॉज एग्जीक्यूटेड वॉज फैंटेस्टिक सो आई थिंक इट्स ऑफ टू बोथ एपिसोड एंड कितनी सारी इशूज हमें उसमें नजर आए जो तुम कह रही हो सिंगल सन ओके फिर वो बटा हुआ है अपनी बीवी के एक तो वैसी लड़के शादी करी थी अम्मा चाहती नहीं एंड शी वैट इमोशन बट शी बिखरी हुई थी उनके कंट्रोल में इन आप में ही नहीं थी वो अपने यू कुड सी शी इज स्ट्रगलिंग शी इज पैनिकिंग जहां मैं हमजा की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करी जहां मैं इकरा की अप्रिशिएट करी वहां पर मुझे ड्रामे में ना जो उनकी माँ का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है एंड ऑल्सो द सेकंड होन यू टू डू देट एंड तुम्हारी अपनी बेटी है तुम ये कैसे कह सकती हो मुझे ना इन चीज़ों पर बहुत ज्यादा ड्रामे फ्रस्टेशन हुई थी I felt, I wish they would have not shown this. है थोड़ा सा handle कर लेते और हमजा भी कुछ नहीं बोल रहा है हमजा कह रही हूँ मतलब फरहाद भी कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन फरहाद के लिए मुझे बुरा फील हो रहा है बिकॉज़ एक तरफ आपकी है जिसकी इतनी बुरी हालत है और वो कह रही है नहीं तुम मुझसे वादा करो तुम मुझसे मिलोगे भी नहीं एक तरफ आपकी बीवी है आप बीच में फंसे हुए आप क्या करेंगे फ्रस्ट्रेशन you know? so, भी, भी हो रही है मुझे तो मुझे काफी बहुत सारी चीज़ें साथ प्ले कर रही हैं एंड आई एग्री मुझे एक्चुअली अब मुझे किरण के उससे रोल से फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि किरण जब बाहर बैठी हुई थी आई थॉट अब वो बता देगी जो वो uh, सीढ़ी पे बैठ के बात कर रही थी फरहाद से कि तुम भाई मुंह से फूटो कुछ तो बोल दो व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ या तो फिर किरण के अंदर का हाल बताते कि वो क्यों नहीं कह रही है वो ये सोच रही है कि मैंने अपनी पसंद की शादी करी थी इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्या डर है बोल दे और आ जाए घर सो यहाँ मे बी बट अगैन देन आई आल्सो स्टॉप माई सेल्फ लाइक यू डू एंड स्पी कि भाई शी इज़ अ विक्टूज एंड ऑफ अब्यूज फाइंड इट वेरी हार्ड टू लिव तो एक्जैक्टली एंड आई वॉन्टेड टू नो कि तुम्हारा क्या व्यू होगा इस पर एंड आई एम्लाइट लाइक आई वॉज रियली लाइक आई वॉज लूजिंग इट जब वो कह रही है ना कि और अच्छा और फिर मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि गुडन फर हार्ट टेल वो कैसे बात कर रही है तो फिर यू नो इट्स लाइक मैं एक ऑब्जेक्शन उठाती हूँ फिर मैं उसकी जस्टिफिकेशन भी देती हूँ कि लेकिन फरहाद भी इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि मे बी ही इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट लेकिन मुझे ये भी लगता है क्या रियल लाइफ में हम लोग ऐसे होते हैं हम लोग क्या ज़्यादा परसेप्टिव नहीं होते क्या हम नहीं पिक कर सकते कि हमारे बहन भाई या हमारे आस के लोग इस वक्त चीज़ किस चीज़ से गुजर रहे हैं मुझे लगता है थोड़ा सा थोड़ा सा इसको चेंज होना चाहिए था बट खैर वो ड्रामा स्टोरी चल रही है एंड दूसरी चीज़ जो मुझे होती है येस यूर राइट आई आल्सो स्टॉप माई सेल्फ कि मुझे नहीं पता एक अब्यूज विक्टम कैसे गुजरता है सो मे बी आई एम बींग अनफेयर वैन आई से दैट एंड आई शुड नॉट से दैट अब्यूज विक्टम को एक खड़े होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन प्रॉब्लम तो थो थोड़ा सा इशू मैं तुम एक सेकंड काटूंगी यहाँ वो जो एक्चुअली उन्होंने बड़ी एक अच्छी लेयर आट कॉन्वर्सेशन करी क्योंकि जब वो फरहाद से बात कर रही थी और फरहाद कह रहा था कि क्या है तुम कर लो क्या उसको क्या प्रॉब्लम है और ही केम टू शाहजैन एकदम से उसने बात पलट दी केरण ने उसने कहा नहीं नहीं देखो वो दफ्तर भी जाता है वो कैसे करेगा दैट वॉज द पॉइंट शी कुड हैव सेट समथिंग तो फ़राद का जो भी सस्पेशन था ना वो एकदम से वापस पीछे आ गया तो इसलिए भी मैंने फ़राध को थोड़े से वहाँ वो बोनस पॉइंट दिए कि ठीक है वो नहीं गैस कर सकता क्योंकि ये भी डिफेंड

फील frustrated विद किरण इज बिकॉज आपने शुरू में किरण को कुछ और दिखाया है ना तो मैं अब ठीक है स्ट्रॉन्ग वमेन जब उनको भी अब्यूज़ होता है तो उनको भी टाइम लगता है लेकिन इतना टाइम मुझे ये बात हो रही है एंड किरण को बड़ा सेंसिबल आपने दिखाया है वो किस तरीके से Farhad को भी पहले समझाती थी बाद में भी वो सब कुछ करती थी अब उसकी समझ अपनी दफ़ा कुछ तो आप उसकी मुझे लगता है औरिजिनल कैरेक्टर की सेंस को बेसिक को रिटेन करते हैं जो मुझे नहीं नजर आ रही है सो आई मे बी मे बी आई एम बींगफेयर मे बी अब्यूज़ विक्टम्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम बट बिकॉज शी वॉज बिकॉज शी वॉज चोन स्ट्रॉग डैट्स आई फील कि मुझे फर्स्टेशन हो रही I feel, and then है आई फील एंड दैन जो जो ग़ायब है यू नो लाइक तो एक और इशू यह कि पहले आपने दिखाया कि ये सब लोग हैं ये सेवियर्स हैं ये करते हैं ये करते हैं अब आपने सारे सेवियर्स को हटा दिए आपने उस विक्टम कोलीहदा छोड़ दिया आपने ठीक है आपने uh, फ्रिया के लिए उसके पुप्पा पुपी को रखा है लेकिन आपके फ्राद को बिल्कुल लगेघरा छोड़ दिया जो जो बिल्कुल उस पर ख़बर नहीं रखा जो हैज़ नो आइडिया वॉट इज गोइंग ऑन सो आई फील ये जो एक आपकी स्टोरी की फ्लो चल रही थी आप उसके अपोजिट जा रहे हैं

बेबी लेकिन अम्मा को फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाभी की वही टॉक्सिसिटी है तो वो थोड़ा सा बोरिंग ट्रैक है मैं तो उसको अब देखती भी नहीं हूँ मैं तो उसको फॉरवर्ड टू टू टॉक्सिक एंड इज नो नो यू अच्छा शगो फुप्पो और वो जो हामिद भुप्पा है वो मज़े का है लेकिन उनके तो उनका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगते हैं एंड आई लाइक द सीन जब वो उसको शेर सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट आई फील थोड़ा सा नेचुरल और आप लोगों को रखना चाहिए जो भी एक कपल के अंदर दरमियान कॉन्वर्सेशन होती है ना इतनी फॉर्मल गुफ्तगु किसी कपल में नहीं होती सो आई डोंट नो वाई हमारे ड्रामो में किसी भी कपल के जो रोमांस है ना उसको इतना फॉर्मल इतना

जिम में पहुंच गई है उनकी क्या कहानी है वो कहाँ से टपकी है पता नहीं आई डोंट नो लेट्स सी क्या होता है मे बी जो जो के लिए एक रोमांटिक एंगल निकाला है बट बर्न स्टोट के रोमियो जूलियट बहुत से प्रोग्रेसिव uh, आइडियाज भी डाल रहा है सो मे बी दिस इज देयर वे ऑफ मेकिंग इट ओके दैट अ फीमेल इंस्ट्रक्टर कैन बी टीचिंग मेल यू नो पीपल मेल क्लाइंट्स इन द जिम एंड इट्स कंप्लीटली ओके मे बी ये ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए बस ओके था मेरे लिए उससे इम्पोर्टेंट जो थी वो फ्रिया की मेचोरिटी इन दैट गर्ल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अभी टूटेगी अभी टूटेगी बट एक्चुअली वो काफी बर्दाश्त से और वो एकदम से होने वाला है वो गुजर रही है सो शी इज टेकिंग इट इन शी इज अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है और वो चाह रही है कि वो सो

आई जस्ट थिंक उसकी जो कॉन्वर्जेसन उसके जो नेबर थी उनके साथ थी कि मैं के, मुझे नहीं पता आप सही लोग सही कहते थे शादी के बाद लोग चेंज हो जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा फरहाद वो मुझे लगा अनफेयर है दैट इज़ नॉट वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्राम अवर शी हंड्रेड इट वेरी मच एंड आई फेल्ट कि जब वो अलमारी खोल के वो करी थी वो उसको ज़्यादा कम्फर्ट कर सकती थी खामोश नहीं रह सकती थी वो उसको बोलती नहीं मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट हो और ज़्यादा बोलती जो कुछ है वो बहुत थोड़े सा उसने बोला तो आई फील वहाँ पे उसको जो फरहाद को री सपोर्ट चाहिए थी वो ज़्यादा मिल सकती थी एंड उसको ये डायलॉग मुझे नहीं उसके अच्छे लगे जो उसने बोला बिकॉज लुक एट वट ही इज़ गोइंग थ्रू यू नो एंड ही इज़ जस्ट शोन यू हिज़ इनर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इनर यू नो उसके जो मसले चल रहे हैं एंड आप ये बात बोल रही हैं कि वो चेंज हो गया यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ लाइफ यू नो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं एक बहुत ही बड़े चैलेंज से गुजर है तो ये, ये और मुझे ये भी लगा आई डोंट नो एक तरफ मैं सोचूं शायद अनफेयर है फ्रिया के कैरेक्टर से पर दूसरा में सोचूं शायद वो दिखा रहे हैं कि आजकल की जनरेशन इतनी फिकल है यू नो आई जस्ट थिंक कि उसका जो जॉब वाला किस्सा था ना दैट शी शुड हैव अंडरस्टूड बेटर बिकॉज दैट्स बाकी तो सब चल रहा है लेकिन उसका जो है ना दैट इज़ बट आई थिंक शी इज़ ऑल्सो फीलिंग कट आउट बिकॉज वो जाना चाह रही है देखो वो जो जो उसने डाल आई अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट कि उसको ये नहीं कहना चाहिए था नेबर से लेकिन वो जो उसने कहा कि मैं जनाजे पर नहीं जा सकी मैं उनके घर नहीं जा सकी शी इज़ टोटली आउट ऑफ एवरी थिंग एंड शी इज़ फीलिंग Not just lost, but she's feeling where do I fit into this life of Farhad's? I don't fit in anywhere, and he needs to be with his mother too. No, nee, I don't think that's a bit extreme to think. Where do I fit in? It, it find they both are handle, dealing with challenges of their own. She's feeling that i left out, and he's feeling that mehroo up. itna zada kuch How do I handle all of this? But and and this is the time jab unki strength of the relationship and one person has to be bigger than the other. एंड वो मोस्ट ऑफली फ्रिया को ही होना पड़ेगा इस वक्त जो वो हो भी रही है इन बहुत इन बहुत से तरीक़ों से सो सो या सो इट्स अ इट्स सैड रियलिटी जो जो एक रियलिस्टिक भी है बहुत से कपल्स इस चीज़ से गुजरते हैं जब आप नहीं बैलेंस कर पाते अपने इमोशंस को और अपने पार्टनर के इमोशंस को आपको नहीं पता कैसे करना है तो वो भी ये ड्रामा दिखा रहा है बट आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट मोर सपोर्ट फ्रॉम फ्री आई 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 अग्री विध यू आई थिंक शी इज़ अ बिट फ्लोर्ड इन दैट एंड शी इज़ नॉट कमिंग अप टू अपर एक्सपेक्टेशन जब वो फ़रहाद किरण से बात कर रहा होता है और वो जो अपने बाप के बारे में कहता है कि आखिर में कुछ तो कह देते मुझे एंड तक उन्होंने मुझे यू नो दैट रिग्रेट ऑफ दैट वाज सो पेनफुल एंड दैट वाज सच अ पावरफुल सीन एज वेल क्योंकि यू नो नॉर्मली ड्रामे मेकर्स जो है न, या कही ना या राइटर्स कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं वो या तो वो किरण कुछ कह दी थी या कोई एक उनका इंटरेक्शन होता बाप का और फरहाद का और दैट वुड मेक अस फील गुड बट इट वाज जस्ट टू रियल क्योंकि कभी कभी ये होता है जिंदगी में और आप रिग्रेट में रह जाते हैं like, तो पूरी जिंदगी का ये रिग्रेट हो गया तो है सही बात है उसके, उसके नाम वो नहीं करके गए तो वो डबल स्टैम्प है कि, oh, ये चीज़ फ़रहाद को हमेशा हॉट करेगी फॉर द रेस्ट ऑफ़ इज लाइफ ये सही बात है ठीक है वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत नाउ वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत जी अरे भाई

मतलब हद हाँ होती है यार कुछ तो कहीं अच्छा असरा के घर वाले मतलब मैं कितनी चीज़ों पे बताऊं कि मैं फर्स्ट एड हो रही हूँ असरा का पढ़ी लिखी हो यार थोड़ा बहुत कुछ तो समझो तुम्हा, तुम्हारा मियाँ इज़ यू नो ही स्लीपिंग विद समबडी और ही यू नो दैट ही इज़ हैविंग एन अफेयर विद समबड़ी इज़ यू आर स्टिल ओके यू आर गोइंग फॉर लंच विद दैम यू आर स्माइलिंग आई मीन हाउ एम आई सपोज टू फील फॉर असला असला कह रही हूँ असरा तो या तो फिर वो दुख में रहती है वो कुछ करती है वो आया वो तैयार होकर बड़ी खुशी खुशी चली गई वो शर्मा भी रही है सो so, मुझे लगता है कि एक अच्छे बड़े ड्रामे की ना कहीं ना कहीं रस्सी टूटी और वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया उसके घर वाले अरे भाई योर दमाद इज़ डूइंग समथिंग टॉक टू हिम गेट हिम टू मतलब नहीं करो या अपनी बेटी को बोलो वापस आ जाओ बट आई फील की क्योंकि ये एक ड्रामा है जिसमे आप दिखा एक रहे हैं की आदमी मेंटली आपको कंट्रोल कर रहा है जो होता है आई मीन आईमिंग इट रेप्रजेंट अदर रिलेशनशिप अदर पीपल लाइक दैट हुआ इन अ रिलेशनशिप तो आप कहीं तो असरा को दिखाएं दैट शी इज़ एबल टू स्टैंड अप और शी इज़ एबल टू गेट आई थॉट मशल के कैरेक्टर से शी बी एबल बैक अगर आप अब ये दिखाएंगे कि उनकी अम्मा को ये सब करना है विच इज़ फाइन फैमिली सपोर्ट शुड बी दें बट इसका मतलब उस लड़की के अंदर कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं पैदा हुई है कि वो खुद ही थोड़ा सा फाइट करें बिकॉज शी इज़ रेडी टू लिव अर लाइफ लाइक दिस और घर वाले भी उसको कह रहे हैं साथ साथ घर वाले कहीं भी जो होता है फिर भी शी शुड बी एबल टू स्टैंड इज नॉट एबल बीच बीच में हम इस्पार्क्स नजर आते हैं लेकिन फिर वो जैसे वो खाने का कह रही थी कि आपको तो पता है कि मैं शेफ हूँ और मुझे प्राइज भी मिला है लेकिन इट अगेन इट फेस आउट एंड लिएवेंट होता जा रहा है ही इज़ हैविंग अफेयर इज चीटिंग डे एंड नाइट ऑन हर यू नो एंड आपने कहा वो बड़ी चीज़ नहीं है बड़ी चीज़ यह कि उसको इमोशनली उसको रिजेक्ट करता है वो करता है तो आप देखिए मन्नत मुराद एक ड्रामा था कितनी अच्छी एग्जाम्पल थी आप ही का ड्रामा था कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक दिखाया कि एक आम इंसान कैसे टॉक्सिक हो जाता है या कैसे उसकी इनसिक्योरिटीज़ प्ले कर रही थी यू you नो know, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे वो सब करे थे इसमें आपने एक कैरेक्टर को जो इतना

बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में ईमान ने रिश्ते को मना कर दिया बट आई लाइक द वे द मिस अंडरस्टैंडिंग बीन क्रिएटेड कि जैन को पता ही नहीं है कि एक्चुअल बात क्या है और अम्मा ने पूरा साजिश चला के सारी बात जो है वो जैन की नौकरी जाने पे लगा दी तो मुझे ये बात अच्छी लगी बिकॉज अक्सर ना साजिश जो होती है वो इतनी वीक होती है कि आप कहते हैं यार ये समझ बैठ ही रही And I was wondering कि ये कैसे handle करेगी But इस वाले में इन्होंने एग्जीक्यूट अच्छा किया साजिश को अच्छा किया बिकॉज उन्होंने इसीलिए वो जॉब वाला जिसको मैं फिर भी कह रही थी कि इतनी बड़ी बात नहीं है मतलब बड़ी बात है लेकिन जिस तरह वो टूट गए थे उन्होंने ईमान को नहीं बताया था बट अब वो कनेक्शन आ गया कि ईमान को तो बताया ही नहीं था जैन ने एंड देन जहन समझ है कि ईमान उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है क्योंकि आपस में एंड वो बहन ने फ़ोन ले लिया था जब वो बात करने वाली थी कहने वाली थी सो ऑल दैट वॉज एग्जीक्यूटेड रियली वे अच्छा बट वन थिंग दो बाप जिस तरह पलटे ना इनके जहन के आई डिट अंडरस्टैंड दैट जब उन्होंने कह दिया था बहन ने सवेरा ने कि भाई नब्बे लाख डिमांड करे थे और फिर वो एकदम से जब पलटे उन्होंने कहा कि हम मैंने बताया जॉब लूज़ कर दी है ब्ला ब्ला बला सो दैट वॉज अ बिट अनबिलीवेबल फॉमी वहाँ उनको थोड़ा सा उसको पैचअप करना चाहिए था कहीं मैं डबल माइंडेड थी क्योंकि उन्होंने बात जो है वो यही कही कि क्योंकि आप इसकी जॉब नहीं है इसलिए आप एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश करें दैट्स वाई यू आर doing दिस एंड यू डेंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट बट हाँ थोड़ा बेहतर कर सकते थे और ये भी सोचते कि भाई एंड टाइम पे क्यों मना करेंगे पहले मना कर देते वो लोग या सब चीज़ें बट आई गेस वो ड्रामा है उसमें ये चीज़ होगी एक बहुत ही फिल्मी स्टाइल में जैसा ईमान ने भी आके सबके सामने वो बातें बोली जिसकी ज़रूरत नहीं थी यू नो एंड कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों को इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं होती है इसको आराम से भी हैंडल किया जा सकता था जस्ट बिकॉज बड़े दामाद ने बदला लेना था कि उसकी भरी में बेजती हुई थी तो आपने ये पूरा सीन करके उसको इतना ड्रामेटिक कर दिया इट जस्ट लूज इंटरेस्ट फॉर मी यू नो आई इट गोज सो फार अवे फ्राम रियालिटी इट ऑल्सोर रिप्रेजेंटेड प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे क्योंकि वाकई वो बदतमीजी लग रही थी क्योंकि उन लोगों को तो नहीं पता था

He, she, she should just say yes to whatever he's saying. For example, उसको था हाँ बस तुम इश्ता कर लो बस तुम ये कर लो और इधर भी वो यही कह रहा है कि मैंने नहीं बताया तो तुम समझो कि मैंने क्यों नहीं बताया यू शुड नॉट भी लाइक like, अपना कसूर उनको नहीं लग रहा ठीक है ये बात सही है कि ईमान को वैसे नहीं करनी चाहिए बट ही वॉज ऑल्सो नॉट गिल्टी अबाउट कि मैंने नहीं बताया यू नो एंड ही शुड हैव टोल्ड हर ही न्यू नोज ईमान कैसी है ईमान तो इससे कम्पेयर रिएक्ट करती नहीं इवन हमें पता था ईमान ऐसे करेगी यू you नो know? या ईमान ऐसा ही कुछ करेगी इतना नहीं बट ईमान ऐसा ही कुछ करेगी यू नो आई थिंक हमारी ड्रामा की स्क्रिप्ट जो बात लूज कर देती है ना वो ये कर देती है कि माँ बाप को जो है ना थोड़ा सा अब मैं कौन सा वर्ड यूज़ कौन जहन दिखाते हैं कि आप अपनी बेटी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी खुशियां संवारना चाह रहा हूँ सेव करना चाह रहा हूँ लेकिन वो उस ससुराल में उस मदर इन लॉ के साथ जाके जो इतनी साजिशी है जो आपने देख लिया है आप क्यों धकेल रहे हैं उसको आपकी बेटी काम करती है शी कैन बी इंडिपेंडेंट even if you have cancer, even if your she is quite capable of looking after herself, you are actually pushing her into hell's fire, i think, by doing this. so so sama ye yeah, and shadi and pesa can never guarantee your daughter's happiness, you know. Um, i like zen's uh, reaction, which और पप्पो पे मुझे हो रहा था कि हाँ पुप्पो ने कहा कि बेटा तुम रिग्रेट करोगी सो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी आई लाइक इट अब लेट्स सी आगे जाके क्या होता है एम क्यूरियस के ईमान क्या करेगी आगे जाके एंड आई डोंट थिंक जैन वाज वेरी टॉक्सिक ओवर गई आई थिंक जैन की रिएक्शंस वर ओके दे वर नॉट दैट मुझे नहीं लगा कि बहुत नेगेटिव थे वो भी अंडर प्रेशर रिएक्ट एंड ही डिड कॉल हर अप उट he हुआ था लास्ट अपिसोड में ना हम लोग कह रहे थे लेकिन इस एपिसोड में जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ को एग्जीक्यूट किया आई आई वॉन्ट टू गिवेडि क्रेडिट टू द डायरेक्टर राइटर परफॉर्मर्स एंड द प्रोडक्शन हाउस ये बहुत अच्छे से उन्होंने किया पूरी साजिश बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की हुई थी और जो चीज़ें हो भी रही थी ना जैसे ईमान को भी पहले पता है कि सास ने पैसे ले लिए नहीं वापस किए तो यू you ना know, उस पर उसका प्रेशर भी था एंड द वे ही रिटर्न द मनी और ही रिएक्टेड वो तो ये सब चीज़ें आपने पहले से बिल्टअअप कर दी थी जैन भी देख रहा था कि ये ऐसे कर रहा है ज़ैन को सब बात पता ही नहीं है इधर से माँ कुछ कह रही है इससे पहले और ईमान ने काफी बदतमीजी की उसने जब फ़ोन उठाया तो वो तो अपनी तरफ से उठाने के लिए पूछने के लिए कर रहा था ईमान यहाँ पे ऑलरेडी भरी पड़ी पड़ी थी है ईमान ने से बहुत बदतमीजी की उसकी बहनों से फ़ोन ले लिया सो द मिसअंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन क्रिएटेड वेरी वेल एंड वेल एग्जीक्यूटेड सो इट्स बिलीवेबल फॉर मी एक्चुअली आई यू एंड ऑन दैट नोट वी कैन मूव ऑन वी कैन मूव ऑन टू बेहद जल्दी से कर सकते हैं उसको बिकॉज नॉट मच बट वी कैन कवर ओके okay, जी शुरू कीजिए आप तो बेहद में जो है ना वो आ, मैंने फर्स्ट वाली नहीं देखी है सेकंड देखी है बट उसी से मुझे समझ आ गई थी क्या है, तो जुगनू फाइनली लूजेज इट कम्प्लीटली एंड यू नो उसका आ, जब फंडा होता है हमजा का उसके सोनिया के आ, यू नो एक्स मंगता नहीं सोनिया का जिससे रिश्ता होने वाला था उससे तो वो जख्मी हो जाता है तो फिर आके वो बहुत चीखती चलाती है तो देन यू नो अगेन आई वॉज इज़ वेरी वेरी फ्रस्टेटेड विद जुगनूज कैरेक्टर एंड आई फेल्ट कि वो अपनी कैसे आप एक लड़की की इज्जत को बिल्कुल ही ना ख़राब किया हुआ है लाइक like, uh, वो अपने आप को इतना अंडर वैल्यू कर रही है एंड शी इज़ कमिंग एंड शी डजेंट इवन रियलाइज़ हाउ और वट इज़ कमिंग हाउ हर रिएक्शन इज़ कमिंग अक्रॉस तो मुझे जगनू के लिए बुरा लग रहा था एक्चुअली दैट आई विश

कि ये कितना टिपिकल हो सकता है क्या कुछ चेंज आएगा क्या ऐसा ही होता रहेगा in क्योंकि ड्रामे में तो हमें पता है क्या हो रहा है कि अब्बा जो है वो इतने वो हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे कि अम्मा कुछ ना कुछ धमकी देंगी इनकी सोनिया uh, की अम्मा एंड सोनिया जो है विल बी फॉस्ट टू गो बैक यहां फिर जो है, उनका रास्ता हो तो नहीं होने वाली उसकी, so. अच्छा वो अपने कार्ड्स देख रही होती है और अपनी दोस्त शिकवा भी करती है like, yes, nice you know? वही क्वेश्चन आ जाता है क्या मर्द और की दोस्ती हो सकती है क्या इतनी क्लोजनेस जो है वो किसी और मीनिंग में जा सकती है तो ये सब चीज़ें हमजा का कितना कसूर था क्या हमजा ने वाकई कभी कुछ यू नो और एक और चीज़ जो मुझे लगी कि हमजा ने पैसे जमा किए हुए थे और उसको देता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए जमा किए हैं सो एट समय मे बी जुगनो वॉज नॉट रॉन्ग भाई पैसे क्यों कोई किसी के लिए जमा करेगा कभी उससे तो उसको बहन नहीं बुलाया कुछ ये नहीं बोला तो यू you नो know, या तो आप ऐसे वर्ड्स यूज करके क्लियर करते कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है तो so, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कर रही हूँ इस चीज़ को सो so, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट एपिसोड में आपने नहीं दिखाया था उसका रिश्ता आया तो एंड ओके बट यहाँ जो हम दिखाते हैं ना कि जो वो टॉक्सिक हो जाते हैं एंड जिनका अनरिक्वेटेड लव होता है जो थर्ड पर्सन होते हैं आप ये भी तो दिखा सकते हैं कि ठीक है आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करनी है है किसी और तरह कर कि ठीक यू रियलाइज द अदर पर्सन रियलाइजन लव मी एंड यू रियली केयर फॉर हिम तो आप उस तरह टॉक्सिसिटी ना दिखाएं भाई हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की होता है ना कि यू लाइक सम बट यू रियलाइज दिस पर्सन डजेंट लाइक मी सो यू डिसाइड टू मूव ऑन या कोई और सरकम ऐसे होते हैं कि वो, शाजिया तो फिर ड्रामा कैसे चलेगा ना इस ड्रामे की तो I स्टोरी know, है I just...

समझ जाती थे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अंदर से उसको जाके लगी है कि सोनिया उसको छोड़ के चली गई है आई डोंट केयर अबाउट रूबीना अशरफ कैरेक्टर बिकॉज आई मीन बाई केयरिंग आई मीन कि वो इतनी ज्यादा मीन है कि वो अपने मियाँ को घर ले आई जो जिनको आई में होना चाहिए था सो आई थिंक फॉर मी शी इज नॉट गो नो गेट एनी रिडेम्शन at all at any point ठीक है, ठीक है। let's move on to the next drama which is jaan से pyara juni ओके ओ सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया था बिटवीन हुसन आरा एंड मीना लेकिन वो जो सीन था ना जिसमें वो आके बैठती है उसके घर पे और वो चाय पी रही होती है एंड देन आई इट वाज रियली एंजॉएबल स्पेशली अगर मामिया का तुम कैरेक्टर देखो एंड वे इज बिहेविंग कि वो जैसी आके बैठती है तुम शी शिफ्ट्स शिफ्ट यूँ इस तरफ ना

और उसने 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 बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया उसने तुम्हें तो मैं, तुम उससे बर्दा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई और मैं इतनी खुश हूँ हैं इस तरह इस तरह लेकिन हुसैन आरा ने भी एंड में जाने अनजाने में उसको एक एडवाइस दी कि देखो तुम किस तो यू नीड टू ग्रूम योर सेल्फ दैट बेसिकली वट हुसन आरा एडवाइज हर यू नो वो आई होप दैट शी अप बट मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देखकर आई आई रियली इन्जॉयट बिकॉज दे वो सोट ऑफ स्पारिंग विथ ई अदर एंड बोथ ऑफ देम आर रियली गुड एक्ट्रेस सो इट वॉज बिल्कुल ही जो है ना मैच था दोनों का बड़ा अच्छा और डायलॉग्स भी मज़े के थे अच्छा लेकिन वो घर जा कर फिर उससे कहती है कि यू नो उसका फिर आया कि तुमने शर्ट क्यों पहनी है तुम तो मेरे में ही आओ ये भी मुझे बड़ा अच्छा सी आई लाइक द वे शी थिंग्स कि तुम मिना के मी आओ तो तुम थोड़ी पहन सकते हो ऐसे तो यू हैव टू लुक नाइसरा अच्छा कट का पहनो लेकिन उसके अंदर भी वही कीड़ा है दैट शी वॉन्ट्स के अच्छे लगे जो हुसैन आरा में कीड़ा था कि इट शुड बी गुड एंड नाउ शी वांट्स सो सो इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नहीं मुझे लगता है मीना ऐसी थी नहीं मुझे लगता है मीना को ये हुसैन आरा ने चाबी दी है जिस सर वो शी कैन सेंस दैट हुसैन आरा इज लुकिंग डाउन ऑन हर तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड एंड आल्सो यू नो वो जो पता नहीं उसने क्या बोला ना कि आप मुझे देखो एक तरह से उसकी बात सही है वो कह है आप लोगों को पता ही लेकर आगे मुझे ना एक बात बड़ी मजे की लगी जब वो बैठी उसका जो फ्रस्ट्रेशन था ना से से वो ये था कि तुम्हारी बहन तुम्हें जो बोली चली जा रही है वो बोली चली जा रही है जो यहाँ हुसनारा जो मतलब तुम्हारी अपनी कोई है ही नहीं हैसियत विच इज़ एक्चुअली द फ्लो, नॉट द फ्लो, बट दैट इज़ जोनीज कैरेक्टर एंड मिना हैज़ पिक्ड अप ऑन इट इमीडिएटली एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दो मिना इज रिप्रेजेंटिंग जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत अच्छा मियाँ बहुत ख्याल रखता है बहुत केयर करने वाला है शॉपिंग भी लेकर गया और वो बहुत उनकी स्वीट कॉन्वर्सेशन थी पिछले एपिसोड में कि मैंने तुम्हें मूवी दिखाई के लिए कुछ नहीं दिया लेकिन वो साथ साथ उसको कह रहा था कि मेरी बहन ज़्यादा कुछ बोले तो बस चुप कर लिया करो सुन लिया करो सर मैं तो नहीं चुप करने वाली मैं तो सीधा जवाब दे देती हूँ और वहीं उसको फिक्स कर देती हूँ सो so, ये आई लाइक द डिफरेंस द कॉन्ट्रास्ट दे हैव शोन इन बोथ द कैरेक्टर्स इन मीनास कैरेक्टर एंड इन जूनीस कैरेक्टर विच represents a lot of real life relationships and and I hope that they navigate it with fun and with and also with giving answers to a lot of people who have

मिना को चिड़ गई और बीवियों को पता चल जाता है तो मीना को भी लग गई तो मुझे ये लगता है कि वो जो पूरा दिखाया कि वो लिख रहा है फिर सोच रहा है हुसनारा के बारे में भी मीना के बारे में भी वो थोड़ा सा कर देता तो मैं जरा आई वुड हैव लाइक इट टू बी मोर अप्रोप्रेट बिकॉज आई रियली लाइक जो ने कैरेक्टर एंड आई एम लाइकिंग की वो बड़ा पॉजिटिव दिखाया बट इट टू कि दिस मच टाइम टू रियलाइज के ओके मीना इज अपसेट अबाउट समथिंग एंड आई नीड टू केटर इट आई नीड टू चेंज इट बट चले हो गई दोस्ती दोनों की अब वो वलीमा प्लान करें बहन जो आ गई हैं अब देखें क्या होता है भाई बहनोई ने उसको सही बोला कि देखो उसको छोड़ो नहीं वरना तुम्हारी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सो so, ये चीज़ है अच्छा हुसन आरा इज इन्वॉल्व विद दिस अदर गाय वो फुली रिच अब वो मुझे समझ नहीं दो ढाई साल तक दे हैव नॉट मेट अब वो आया दे आर सपोज टू बी इन लव और वट यू नो सपोज टू गेट मैरिड या वो उसको ऐसे ही उसको धोखा दे रहा है या क्या कर रहा है अच्छा अम्मा को भी पता था दैट पर अ स्ट्रेंज थिंग अम्मा को भी पता था वो कह रही थी कि भाई तुम उस उनकी अम्मा से कब बात करेगा वो ब्ला ब्ला, ब्ला और ये नहीं करने वाला बात ये तो हमें नज़र आ रहा है सो गोइंग टू फॉल एंड देन शी विलनी एंड चैलेंज फॉर जूनी पता नहीं आगे जाके पता चलेगा आई जस्ट फील थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था और वह, वह, वो जो हुआ है वो भी पैसे के पीछे ही है उनकी प्रायरिटी भी पैसा ही है सो so, लेट्स क्या होता है अब ठीक है वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा ओके टू न्यू ड्रामास ऑन द ड्रामा होराइजन एंड ये दो ऐसे ड्रामा हैं जिनके आपने शायद इतने ज्यादा प्रमोस नहीं देखे हो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये साइड से आके कहीं से आके चौका या छक्का मार सकते हैं क्योंकि इनके दोनों के पहले एपिसोड्स बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हैं अगर आपने गैस नहीं करा है या आपने टाइम स्टैप में नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ पहले ड्रामे जिसकी मैं बात करूँगी जिसका फर्स्ट एपिसोड आया था दैट इज़ ऑन ग्रीन इट इज़ दिल क्या करें एंड इट इज़ अ स्टोरी बाय एडिसन इदरीस मसी जिनको मेरे मैं बहुत पसंद करती हूँ उन्होंने शराब भी लिखा था और उन्होंने चौराहा भी लिखा था शराब इज़ अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइंड एंड उनके साथ वी हैव फ ही बर्नी हु इज़ द डायरेक्टर कास्टिंग इज़ फेब्यूलस वी हैव इमरान अब्बास वी हैव मिर्जा जैन बेग एंड वी हैव साधिया खान साधिया ख़ान को मैंने पहले नहीं देखा है परफॉर्म करते हुए इफ़ यू हैव सीन हर प्लीज़ टू राइट इन कॉमेंट्स मिर्जा जैन बेग इज़ अ फेवरेट ऑफ माई एंड आईम रियली हैप्पी टू सी हिम बैग क्योंकि हम नॉर्मली उनको मैं सोप्स में देख रही होती हूँ सो आई वुड लाइक टू सी हिम हियर इन

कुछ खाली पना सा महसूस हो रहा उदासी नहीं है लेकिन खाली पना महसूस हो रहा है उनको अपनी ज़िंदगी में देन uh, वी हैव शहरबानो शहरबानो साधिया खान का कैरेक्टर इज़ क्रेजी एब्सोल्युटली क्रेज़ी अबाउट आर्यन खान शी इज़ वन ऑफ दोज फैंस जो बार बार जाकर रिपीट पे उनकी मूवीज़ देखेंगी एंड जो उनकी, उनकी घर वालों को उनकी फैमिली को उनके फ्रेंड्स को सबको पता है दैट शेरी इज़ क्रेज़ी अबाउट आर्यन खान लेकिन दैर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी Relatable uh, twist in the script, which is that Sherry knows that this is not real life for her because she is engaged to Nile, which is uh, Mirza Zen's character, and she is in love with Nile. And she says, "It came merei muhabbat hi hai." Yes, you know, I am crazy about the star, but you know, he is a star. And unne badi baat dikha hai ke, And here, I feel this is where the narrative will be different. Ki unki baat bhi ho thi uh, phone ke because uh, Nile lives abroad. एंड um, वो फ़ोन पे भी नाई से भी बात कर रही थी आर्यान खान के बारे में एंड यू नो एंड वो कह रहा था कि अच्छा तुमने तो उसका फिर ड्रामा भी देखा होगा मूवी देखी होगी वट एवर मतलब ही वज शेयरिंग इन हर एक्साइटमेंट एंड ही न्यू अबाउट इट तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ड्रामा का नैरेटिव भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा वाइज के वी आर एबल टू एक्सेप्ट दे एस नो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एट लीस्ट फॉर नाउ इन दिस मैन एंड ही इज़ परफेक्टली ओके विथ बींग एब्सिलूटली क्रेजी अबाउट द स्टार अच्छा अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्वर्सीशन्स uh, में भी आ रहा है फैमिली को भी पता है uh, एक वायरल हो जाती है वीडियो जिसमें शेरी इज़ डिफेंडिंग आर्यन आर्यन जाते हैं ग्रेवयार्ड uh, पे एंड कब्रिस्तान पे और वो आई थिंक अपनी अम्मी के कब्र पे शायद दुआ मांग रहे होते हैं एंड uh, वहाँ से उनकी दो फैंस आ जाती हैं जो वीडियो बनाना शुरू हो जाती हैं फिर उनसे सेल्फी मांगती हैं वो ज़रा रिलेक्टेंटली सेल्फी दे देते हैं फिर वो जो वीडियो है वो वायरल हो जाती है uh, एक थोड़ा सा उन्होंने वहाँ एलिमेंट ये भी डाला है कि हाउ फैंस डू नॉट रिस्पेक्ट द पर्सनल स्पेस ऑफ स्टार्स एंड सेलब्रिटीज़ बिज आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट शुड भी हाई लाइटेड ने बदतमीजी नहीं करी उन्होंने कर दिया वीडियो लेकिन उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मेरी कोई पर्सनल स्पेस नहीं एंड प्रोबली देट्स वाई ही वॉन्ट्स टू वॉक अवे फ्राम इट ऑल एज़ वेल सो दे शोड ऑ ऑल दैट अच्छा ये जो वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद um, शेरी जो है इसके ऊपर कमेंट करती हैं कोई उनकी भी वीडियो बना देता है कि भाई स्टार्स की अपनी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए सो वेरी लॉजिकल प्रैक्टिकल स्टोरी प्रोग्रेशन टिल देर इज़ अ मीट एंड ग्रीट एंड मीट एंड ग्रीट पे आर्यन ख़ान के uh, शेरी या उनकी फ्रेंड्स जाती हैं अच्छा यहाँ भी शेरी का कैरेक्टर थोड़ा सा ना uh, ठहरा uh, हुआ दिखाया है जो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी जो सहेलियाँ हैं वो आगे भागती हैं कि चलो 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 वी वॉन्ट टू मीट हिम एंड शी एस के अच्छे तुम लोग आगे जाओ यू नो आई कम लाइक शी इज़ ओके शी इज़ ओके टेकिंग हिज पिक्चर शी इज़ नॉट एब्सोल्युटली क्रेजी टू मीट हिम थोड़ा सा यू नो लाइक आई सेड ठहराव है लेकिन जो फाइनल शॉट है वो बड़े मज़े का है क्योंकि अब आर्यन ने भी उनको नोटिस कर लिया है क्योंकि उनके फ्रेंड ने या एजेंट ने उनको बताया था कि भाई ये लड़की है जो तुम्हें डिफेंड कर रही थी एंड ये सामने खड़ी भी है यहाँ तो आर्यन उनको देख रहे हैं

थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे यहाँ uh, लगा कि वेन यू आर दैट क्रेजी अबाउट अ गाय तो आप उसी वक्त अपने फ्योन्से से बात नहीं कर रहे हो मे बी शी स्टेलिंग अ फ्योन्से ओ आई एम गोइंग टू मीट हिम राइट नाउ बट आई लाइक इट दैट देर इज अ रियल डिवाइड बिटवीन द रियल and the unreal in her mind kahani uh, of course she's caught aryan khan's attention to ab kya hoga but i would definitely suggest that you can give this one a watch and the second new drama i'm going to talk about is ek Jubhansi. si and this is directed by Mohsin talat who has also done yarna bichri it was a soap lekin chi direction thi uski we enjoyed it and sarab again a personal favorite of mine which i thought was beautifully done so really high hopes from this drama written by rukhsana nigar and of course uh, mohsin talat who has directed sarab also had sonia hussain in that project and sonia hussain ke sath kisko dekh rahe sami khan ko sami khan and sonia hussain have absolutely beautiful chemistry on screen versus sonia has beautiful chemistry with everyone so does sami but together the two of them make a great pair

है जब इतने खुश हैं दोनों के दोनों so, what I like is drama makers ना अब हमारी story -telling थोड़ी सी mature हो गई है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की मीट फॉल इन लव एंड समाज की दीवार बीच में आ जाती है तीसरा इंसान बीच में आ जाता है अब हम आगे की कहानी बता रहे हैं कि शादी हो गई है खुशी खुशी रह रहे हैं बच्चे भी हो गए अब क्या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बड़ी रिलेटेबल सा इशू है कि किसी की भी जिंदगी में हो सकता है विच इज़ जो भी आउटसाइडर्स होते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी फैमिली हो सकती है तो ओवर हियर इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेशन इट इज़ जस्ट जहाँ आप देख रहे होते हैं कि हारून इतनी इतना प्यार निछावर कर रहे हैं सोन इनके ऊपर नायला के ऊपर उनको फूल ला के दे रहे हैं केक ला के दे रहे हैं एक दिन पहले उनकी बर्थडे से कि हम आज से तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो एकदम से कहती हैं नायला उनसे कि मुझे अपने चचा से मिलने जाना है सो so, चचा जो है जावेद शेख का कैरेक्टर हैज़ ब्रॉट अप uh, नायला uh, कैरेक्टर एंड ही इज ही ही इज एजिंग नाउ तो वो गिर गए थे सुबह बाजार में तो ये काफ़ी परेशान थी नाइला उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रही थी तुम दफ्तर से आओ तो मुझे मिलना है तो थोड़ा सा देर इज अटल चेंज इन हारमोन एक्सप्रेशन बट ही से ठीक है आई टेक यू reluctantly थोड़ा खाने के बाद हम पहले बाहर जा रहे हैं खाने के लिए अब यहाँ भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि खाना खा रहे हैं फिर वो कोशिश कर रहा है बहुत कि अच्छा ठीक है देर हो गई है आई यू शोर यू वॉन्ट टू गो हम वापस नहीं चले वो उसको फोर्स नहीं कर रहा लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो पीछे हट जाए लेकिन सोनिया जिस तरह लड़कियाँ करती हैं जो अपने घर वालों के लिए परेशान होती हैं अपने माँ बाप के लिए यानी इनके चाचा इनके इनके बाप इनके वालद की तरह ही हैं तो उसने कहा कि नहीं आई हैव टू गो एंड सी हिम और उनके लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेना है तो वो कह कह के शी पुश्ड हिम कि नहीं पुश नहीं मतलब उनकी थी ये ख्वाहिश कि वो जाएं एंड यू नो गर्ल्स वांट टू गो बैक एंड उनका मेका है एंड एंड लुक आफ्टर हिम तो खैर वो चले गए अब वो चले गए वो, वो थोड़ा सा उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा सा टेंट सा भी सीन दिखाया कि चाय को पूछ रहे हैं वो हिररा खान माहिंद का कैरेक्टर जो है वो चाय लेकर आ रही हैं एंड uh, वो फॉर्मली थोड़ा सा बैठे हुए हारून और वो बहुत ज़्यादा दिल से जो है ना नायला बात कर रही मेरी अपने चाचा से आके आप कैसे हैं आप अपना ख्याल नहीं रखते और फिर वो बड़े reluctantly हारून कहते हैं कि अच्छा मैं आपका एक स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट कर दूंगा मैं आपको ले जाऊँगा सो ही इज़ डूइंग ऑल द राइट थिंग्स चाहे वो दिल से करें या नहीं इट्स नाइस टू सी कि वो um, नायला के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि ही लव्स नायला एंड नायला लव्स हर चाचा तो ये बड़ी एक रिलेटेबल चीज़ उन्होंने दिखाई है आगे अब वी आर वॉचिंग क्या होगा माहिन का जो कैरेक्टर है ना दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम क्योंकि माहिन का कैरेक्टर यहाँ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नेगेटिव लग रहा था हिरा खानस कैरेक्टर उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल दिखाया है उनको थोड़ा सा साजिशी या ड्रामेटिक भी दिखाया है क्योंकि वो सुबह जब फ़ोन करती है नायला कुत तो शी से ऐस के अब्बा गिर गए थे थोड़ा ड्रामा किया फ़ोन पर रो रही थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं है ये नहीं है बिकॉज एटलीस्ट शी डेंट वॉन्ट टू डील विद द अब्बा शी वॉन्टेड कि नायला ही आके सब कुछ करें चीज़ तो रिस्पॉन्सिबल तो इसलिए उन्होंने थोड़ा बढ़ा जो वो अपनी सिर्फ सेल्फीज़ में और अपने फ़ोन कॉल्स में और अपने मेकअप में बिजी रहती हैं विच आई फेल थोड़ा सा उनको अगर ग्रे दिखाते थोड़ा सा ख्याल करती फिर थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाती तो माइट बी बेटर हाउ फिर वो चाय वाय गिरती है ये लोग चले जाते हैं वहाँ से अनहारों थोड़े से इरीटेट भी होते हैं um, एंड में ये जो एक सीन दिखाते हैं जिसमें माहीन स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस एंड शी इज़ लुकिंग डरेक्टली एट हार रूम हु इन दज दे आर ड्राइविंग ऑफ एंड देज अ लुक दैट एक्सचेंज बिटवीन दैम सो थोड़ा सा एयर ऑफ मिस्ट्री है यहाँ के डू दे हैव अ रिलेशनशिप उज दे सम इन द पास्ट वाई इज़ माह लुकिंग एट हिम लाइक दैट क्योंकि बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है एंड हारून डजेंट लाइक हर एनी वे एंड ही हैज सेड ही स्टोल नाइला कि तुम्हारी कज़न अजीब सी है मुझे नहीं पसंद तो यहाँ उन्होंने थोड़ा सा आपको एक हु छोड़ दिया कि आप अगला एपिसोड देखें लास्टली फाद शेख्स कैरेक्टर वट आई वॉन्ट टू से अबाउट फहद शेख वज एंड आई एम सींग हिम आफ्टर सम टाइम ऑन द स्क्रीन एंड आई हैव टू सेट देर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इंप्रूवमेंट इन हिस परफॉर्मेंस फ्राम बिफोर not that he ever delivered a bad performance but he was a new actor at that time and now i can see the maturity in the way he there's something subtle about the way he's i think role bhi unka i hope acha ho is tarah lekin koi aise zabardasti ka nahi koi forced uh, uh, flippancy nahi hai frivolity nahi hai आराम से बातचीत कर रहे हैं बड़े रिलेटेबल नॉर्मल से कैरेक्टर लग रहे हैं एंड uh, परेशान भी एक मोमेंट था जब वो काफ़ी थके हुए थे परेशान थे बाइक की उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था सो so, उनकी थकन जो है वो शक्ल पे नज़र आ रही थी जब वो घर आए थे सो आई आई एम रियली लुकिंग फॉर्वर्ड टू हाउ हिज कैरेक्टर विन विल अनवल बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट ही वॉज़ वेरी प्रामिसिंग लेकिन उनके पिछले रोल्स में शायद डायरेक्शन उनको वो नहीं मिला जो अभी इनको यहाँ मोहसिन सा, तलत साहब से मिलेगा सो ऑल इन ऑल वेरी इंटरेस्टिंग First episode. If you're a Sami Khan and and Sonia Hossein fan, I would suggest that you go and watch this one and tell me what you think about the review. If there's something you want to add to it, then also let me know. Okay, Ji, um, so drama review. next week and we can do a joint review hopefully. But uh, that's all from our side for Drama. You all your comments share reviews. Take care, and Allah